नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर ऐप सोल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन यूज़ करके कोविड-19 से संक्रमित होने से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करके आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। 2 MB की ये एप्लीकेशन एक हफ्ते के अंदर 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इस एप्लीकेशन को 4.6 की रेटिंग भी मिला है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सेलेक्ट करता हूँ हिंदी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या आप चाहते हैं आपके ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। आगे ऐप अलर्ट के माध्यम निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। आरोग्य सेतु के साथ आप खुद की, अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। नीचे मिलेगा आपको रजिस्टर का ऑप्शन। रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ब्लूटूथ ऑन करने के लिए परमिशन मांगा जाएगा, तो आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है कि आपसे यहाँ पर जो भी डेटा लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेगा, किसी भी दूसरी कंपनी के पास आपका डेटा लीक नहीं होगा। तो आप निश्चित होकर सहमत हों इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आपसे लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दें। अब आपको अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पिछले 30 दिनों में किसी भी देश का भ्रमण नॉन कर देता हूँ मैं। मैंने कोई भ्रमण नहीं किया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में सेल्फ असेसमेंट का एक ऑप्शन दिया है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसको ज़रूर ट्राई करें। पुरुष, अपना एज टाइप करें। नेक्स्ट, खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ इनमें से कोई नहीं। दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी इनमें से कोई भी नहीं। पिछले 14 दिनों के अंदर विदेश यात्रा नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको संक्रमण का जोखिम कम है। यदि आपको 2 हफ्ते में खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखा गया यू आर सेफ, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना होगा। समय समय पे सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन को यूज़ करके टेस्ट करते रहना होगा और एप्लीकेशन को दिन में एटलीस्ट एक बार ओपन करके चेक करना होगा, ताकि अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आसपास जाते हो या किसी इलाके में जाते हो तो ये एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन दे देगा। और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तो लोगों से हाई हेलो करिए बिना हाथ मिलाए। जहाँ पे भीड़भाड़ इलाके हैं वहाँ पे जाने से बचें और लोगों से दूरी बनाए रखें, मिनिमम 6 फीट की। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू पीएम केयर में फ़ंड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड मिल जाएगा। दोस्तों, जब तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तब तक आपको ब्लूटूथ या फिर लोकेशन सर्विस ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।